हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट वीडियो चैनल। और आज अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो पे मैं आज आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ मिनी यूएसबी बैक होम क्लीनर, जो आपका लैपटॉप और कीबोर्ड के लिए है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत ही चीप रेट का है, मतलब एकदम सबसे चीप बैक होम क्लीनर आप बोल सकते हैं। इसको अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोकल जो मार्केट है वहाँ से परचेस कीजिए। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं, अगर आपको लोकल मार्केट पे नहीं मिल रहे हैं आपको, तो आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। और उसका लिंक मैं मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ अमेजन और फ्लिपकार्ट का, तो वहाँ से जाके आप उसको परचेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मिनी चीप जो वैक्यूम क्लीनर है, सबसे मतलब वर्ल्ड चीप वैक्यूम क्लीनर बोल सकते हैं आप इसको। और ये यूएसबी पावर्ड आपका वैक्यूम क्लीनर है, तो आप देख सकते हैं एकदम क्लीनर के जैसा है, मतलब ये एकदम चीप रेट का आपको मिल जाते हैं। और इसका जो पैकेटिंग है, पैकेटिंग भी कुछ ऐसा ही यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे पीछे देखिए, यहाँ पे आपका पूरा इंस्ट्रक्शन आपको दिया है यहाँ पे, तो इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये मेड इन चाइना का है। और यहाँ पे ऊपर में देखिए लिखा है यूएसबी मिनी वैक्यूम फॉर कंप्यूटर्स, तो यहाँ पे आप यहाँ पे इसको कंप्यूटर कीबोर्ड होते हैं क्या, लैपटॉप होते हैं क्या, आप कोई भी आपका कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड का जो सेक्शन होते हैं वहाँ पे आप इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत सारा यहाँ पे वेरिएंट पे मिलते हैं, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अभी। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलते हैं एक आपको यहाँ पे ये जो वैक्यूम क्लीनर है, उसके बाद ये इसके साथ एक्सटेंशन कॉर्ड आपको दिया है, यूएसबी जैक है यहाँ पे। और उसके साथ आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको ब्रश जो वैक्यूम है वो मतलब नॉब है वो यहाँ पे आपको दिया है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही चीप रेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो क्वालिटी है बहुत ही ख़राब है। तो इसको अगर आप ऑफलाइन ख़रीदने जाते हैं तो लोकल मार्केट से आपको ये आपको 90 रुपीज़ के, 100 रुपीज़ क्या आपको 150 रुपीज़ पर मिल जाते हैं। और अगर आप इसको ऑनलाइन पे परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे 250 रुपीज़ अराउंड ऐसा कुछ यहाँ पे आपको पड़ जाते हैं, क्या 200 रुपीज़ ऐसा कुछ आपको पड़ जाते हैं। और ऑनलाइन जितना सारा शॉप है, जैसे कि आपका अमेजन है, आपका फ्लिपकार्ट है, ईवे है, तो हर एक जगह पे आपका अलग अलग प्राइस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक LED है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके एक्सटेंशन वायर आपको दिया है, इसको आपको USB के साथ कनेक्ट करना है। और यहाँ पे जो नॉब है इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर सेक्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर पेपर जो होते हैं, फिल्टर आपका कपड़ा अगर आपका घर पे है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे फिल्टर कपड़ा यहाँ पे लगा हुआ है, आप कोई भी नैपकिन वगैरह भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नेट वगैरह आप मार्केट से खरीद के यहाँ पे आप लगा सकते हैं। एक सिंपल, एकदम सिंपल है। और यहाँ पे सिंपल एक DC मोटर है यहाँ पे और एक पॉपुलर है, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, बहुत ही हल्का है, बहुत ही लाइट वेट है। तो इसको अटैच करने के लिए पहले ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को पहले अटैच करना होगा, उसके बाद आप जो आपको मन में आए, मतलब आपका जो चाहिए, जैसे कि एक्स्ट्रा अगर आप यहाँ पे ऐसा वाला अगर नॉब चाहते हैं कि ऐसा वाला एक ब्रश चाहते हैं, तो आप कोई भी अगर चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, अभी चेक करता हूँ इसका मतलब क्वालिटी तो बहुत ही पुअर लग रहा है मेरे को, अभी चेक करता हूँ ये ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है USB पावर डायरेक्टली फ्रॉम एनी USB पोर्ट, तो कोई भी USB पोर्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अभी लैपटॉप या PC नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक जो सैमसंग का जो चार्जर है, चार्जर का जो USB चार्जर है, यहाँ पे मैं अटैच करने वाला हूँ अभी इसको। तो इसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। एक्सटेंशन वायर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको अटैच कर देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ इसको। तो अटैच कर दिया, अभी देखिए यहाँ पे पीछे यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है आपका, ठीक है। तो इस डिवाइस का पीछे का जो ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे राइट साइड पे आपका ऑन हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे आपका ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, तो अभी देख सकते हैं आप इसका आवाज़ आपको शायद सुनने में आ रहे हैं। और ये यहाँ पे देखिए लाइट भी जल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। मतलब इसका जो स्पीड है, स्पीड ठीक ठाक लग रहा है मेरे को, ठीक है। एकदम मतलब कम प्राइस पे आपको मिल जाते हैं, और लोकल मार्केट पे आपको बहुत ही कम सस्ते में मिल जाएगा। और इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी। और यहाँ पे बहुत अच्छा हवा भी निकल रहा है यहाँ से, तो सक्शन कैसा होगा देखने में, मतलब टेस्ट करके देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको टेस्ट करता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे अभी एक कीबोर्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड में बहुत सारा धूल यहाँ पे है, मैला है यहाँ पे, तो इसको मैं वॉश करने वाला हूँ अभी। तो चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ अभी। इसमें नहीं होगा तो मैं इसको चेंज करता हूँ अभी इसको, अभी देखता हूँ। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहे हैं यहाँ पे, जितना सारा धूल है।
सक्सिंग बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सिंग बहुत ही अच्छा हो रहे हैं। कीबोर्ड के अंदर जो धूल है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे वॉश हो रहे हैं। इवन फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी लेंस के ऊपर भी अगर कोई भी डस्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल, तो वो भी आप यहाँ से इसको यूज करके बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको वॉश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, यहाँ से भी आप डस्ट पार्टिकल कितने सारा है आपका, कोई भी DSLR कैमरा से, कोई भी कैमरा होते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही आसानी से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इवन जो व्यू फाइंडर है, व्यू फाइंडर से आपको बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, आपका DSLR कैमरा अगर होते हैं तो ये व्यू फाइंडर पे भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे अंदर में आप इसको वॉश कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल एक गैजेट है। अब इसको बंद करता हूँ और मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि कितना धूल यहाँ पे आपका आया है, सक्सिंग कितना हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे धूल आ गया है। अभी देखिए ये वाला धूल है, यहाँ पे धूल है, बहुत सारा धूल यहाँ पे आपका आ गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा है, मतलब आपके इतना कम बजट में, इतना सस्ते में आपको ये मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारा धूल आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया है, और भी बहुत ही ज़्यादा धूल है। इसको आपको वॉश करना होगा ये फ़िल्टर को, ठीक है। और ये अगर फ़िल्टर ख़राब हो जाते हैं तो आप फ़िल्टर कोई भी कपड़ा आपको अगर मिलते हैं मार्केट पे मिल जाएगा आपको इजीली, तो वो फ़िल्टर कपड़ा जो होते हैं उसको आप यहाँ पे अटैच करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और फ्रेंड्स, अगर आपका मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर एक नया चीज़ लेके आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।